हमारी सरकार आम आदमी के लिए ऐसी पेंशनें और ऐसी योजनाएं चलाती है ताकि उन सबको सुविधाएं हो सके, लेकिन जमीनी स्तर पर इन सब की हकीकत कुछ और ही होती है। एक ऐसी परिवार की विकलांग लड़की जिसका परिवार 15 सालों से उसकी पेंशन शुरू कराने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं शंभू और यह है मेरा समुदाय। राजस्थान के उदयपुर जिले के कैलाशपुरी पंचायत के खेरातला गांव के आदिवासी परिवार बाबूलाल जी गमेती की लड़की जो कि विकलांग है, जिसका नाम मांगी है। समस्या तो आप देख लो, यहाँ से 17 साल के करीब करीब हो गया, 17 साल में ये इसी कंडीशन है इसकी। तो मेरे घर वाली इसको आखो दिन इसकी सेवा में लगी रहती, 7 महीने की थी, बीमार हो गई। फिर हम उदयपुर ले गए तो वहाँ बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया इसको, 7-8 दिन वहाँ रखा, वहाँ से वापस ले आई, बस इसी कंडीशन में। उदयपुर की स्थानीय संस्था नारायण सेवा संस्था की ओर से उसे एक व्हील चेयर दी गई, क्योंकि मांगी अपना शारीरिक काम करने में असमर्थ है। परिवार लगभग 15 सालों से पंचायत में कई बार चक्कर काट चुका है और मांगी की पेंशन शुरू करने के लिए मांग कर चुका है, परंतु अभी तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। पंचायत में गए, ये सरपंच को रिपोर्ट भी दी, ऐसे कई अधिकारी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उसको रिपोर्ट देते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। कितने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? इसमें हो गया 10-12 साल के करीब। अगर इस आदिवासी परिवार की लड़की की विकलांग पेंशन शुरू होती है तो इनके परिवार को एक तरह से सहायता मिलेगी। मैं उदयपुर के सामाजिक विभाग कल्याण से निवेदन करता हूँ कि मांगी गमेती की जल्दी से जल्दी विकलांग पेंशन शुरू करें ताकि उनको एक तरह से सहायता मिल सके। मैं शंभू राज तंवर, राजस्थान के उदयपुर जिले के कैलाशपुरी से खेरातला गाँव से, इंडिया अनहट के लिए।